मायसेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम सिलेंडर टू सिलेंडर इंटरसेक्शन एंड पेनिट्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ वर्टिकल सिलेंडर डायमीटर 40 मिलीमीटर एंड हाइट 80 मिलीमीटर इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन इट्स बेस। इट इज पेनिट्रेटेड बाय अनदर हॉरिजॉन्टल सिलेंडर डायमीटर 30 मिलीमीटर एंड हाइट 80 मिलीमीटर। द एक्सिस ऑफ बोथ सिलेंडर्स आर पैरेलल टू वीपी and bisects each other at right angles. Draw the projections showing curves of intersection. तो यहाँ पर डेटा में हमें बताया गया है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है जिसका डायमीटर 40 मिलीमीटर है और हाइट 80 मिलीमीटर है, वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और इस सिलेंडर को एक दूसरा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जिसका डायमीटर 30 मिलीमीटर है और हाइट 80 मिलीमीटर है, वो उसे पेनिट्रेट कर रहा है और ये जो पेनिट्रेशन की कंडीशन है उसमें ओरिजिनल सिलेंडर और वर्टिकल सिलेंडर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इन दोनों सिलेंडर की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। साथ ही ये इस तरह से पेनिट्रेट हो रहे हैं जिसमें दोनों सिलेंडर की जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन को पैरेलल बन रही है और ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को लेकर हमें कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ करना है। तो हमें एक बात एज्यूम करनी रहेगी कि यहाँ पर ये जो दोनों सिलेंडर रेस्ट हो रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहे हैं, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टॉप व्यू रहता है वो एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ किया जाता है और फ्रंट व्यू है वो एक्स वाई लाइन से ऊपर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर डेटा में 40 मिलीमीटर डायमीटर और 80 मिलीमीटर हाइट का जो सिलेंडर है वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन से अगर हम इस सिलेंडर का टॉप व्यू देखें तो हमें 40 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल दिखाई देगा और इस कंडीशन में अगर हम इस सिलेंडर का फ्रंट व्यू देखना चाहें तो फ्रंट व्यू में हमें 40x80 मिलीमीटर साइज का एक वर्टिकल रेक्टेंगल नजर आएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की शुरुआत 40 मिलीमीटर डायमीटर सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि हम एक्स वाई लाइन से नीचे ड्रॉ करेंगे और ये बनेगा इस वर्टिकल सिलेंडर का टॉप व्यू। इस सिलेंडर का डायमीटर है 40 मिलीमीटर और फ्रंट व्यू में हमें 40x80 मिलीमीटर साइज का एक रेक्टेंगल नजर आएगा और वो रेक्टेंगल हम इस सर्कल में से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके जनरेट करेंगे। इस सिलेंडर की हाइट है 80 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है वो इस वर्टिकल सिलेंडर का टॉप व्यू है और ये जो रेक्टेंगल है वो इस वर्टिकल सिलेंडर का फ्रंट व्यू है और अगर हम इस वर्टिकल सिलेंडर का लेफ्ट हैंड साइड व्यू देखें तो भी हमें एक रेक्टेंगल ही नजर आएगा जिसे हम प्रोजेक्शन मेथड से जनरेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम रैंडम लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस पॉइंट में से एक 45 डिग्री के एंगल पर एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस सर्कल का प्रोजेक्शन इस 45 डिग्री के एंगल पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां तक एक्सटेंड करेंगे। और इस दोनों पॉइंट में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दो पॉइंट में से हम 80 mm की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके रेक्टेंगल कंप्लीट करेंगे। तो ये जो व्यू बना वो हो गया लेफ्ट हैंड साइड व्यू और आगे डेटा में बताया गया है कि इस वर्टिकल सिलेंडर को एक दूसरा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर जिसका डायमीटर 30 मिलीमीटर और हाइट 80 मिलीमीटर है वो उसे 90 डिग्री के एंगल पर पेनिट्रेट कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की एक्सिस है वो इस वर्टिकल सिलेंडर की एक्सिस के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। तो अब हम इस सिलेंडर के मिड पॉइंट में से पास होती हुई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब हम इस 80 mm हाइट के मिड पॉइंट को सेंटर रखकर 30 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो 30 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल है उसकी हाइट 80 मिलीमीटर है तो ये जो हाइट का प्रोजेक्शन है वो हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो अब हम ये 30 मिलीमीटर
डायमीटर साइज का सिलेंडर है, उसका प्रोजेक्शन हम 20 और टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम इस 30 मिलीमीटर डायमीटर सर्कल के 45 डिग्री के सेट स्क्वायर से 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 1 डबल डैश, यह होगा 2 डबल डैश, यहाँ पॉइंट मिलेगा 3 डबल डैश, यहाँ होगा 4 डबल डैश, यहाँ रहेगा 5 डबल डैश, यहाँ रहेगा 6 डबल डैश, यहाँ रहेगा 7 डबल डैश और ये पॉइंट बनेगा 8 डबल डैश। अब हम इन सभी पॉइंट्स को टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी पॉइंट को टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। तो 1 डबल डैश पॉइंट का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जहां मिलेगा वहां होगा 0.1 और 0.1। 2 डबल डैश और 8 डबल डैश का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जहां मिलेगा वहां मिलेगा 0.2 और 8। थ्री डबल डैश और 7 डबल डैश का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जहां मिलेगा वहां होगा 0.3 और 7। फोर डबल डैश और 6 डबल डैश का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जहां मिलेगा वहां होगा 0.4 और 6। और फाइनली 5 डबल डैश पॉइंट का प्रोजेक्शन टॉप व्यू में जहां मिलेगा वहां होगा 0.5 और 5। अब हम इस सभी पॉइंट का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम टॉप व्यू के सभी पॉइंट में से प्रोजेक्शंस फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 0.1 और 0.1 डबल डैश का प्रोजेक्शन जहां मिलेगा वहां होगा 0.1 डैश, 0.28 और 0.2 डबल डैश, 8 डबल डैश का प्रोजेक्शन जहां मिलेगा वहां होगा 0.2 डैश और 8 डैश। पॉइंट 0.37 और 0.3 डबल डैश, 7 डबल डैश का प्रोजेक्शन आपस में जहां मिलेगा वहां होगा 0.3 डैश और 7 डैश। पॉइंट 0.46 और 0.4 डबल डैश, 6 डबल डैश का प्रोजेक्शन जहां मिलेगा वहां होगा 0.4 डैश और 6 डैश। और फाइनली 0.5 और 0.5 डबल डैश का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू में जहां मिलेगा वहां होगा 0.5 डैश। अब हम 0.1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश और 1 डैश में से पास होता हुआ स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में हमें ये जो कर्व मिला वो है कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये जो ओरिजिनल सिलेंडर है उसका डायमीटर है 30 मिलीमीटर और इस ओरिजिनल सिलेंडर की जो लेंथ है वो है 80 मिलीमीटर, जो कि यहाँ हम टॉप व्यू में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है, और जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही सिलेंडर टू सिलेंडर इंटरसेक्शन और पेनिट्रेशन टॉपिक का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।